जय श्री राम दोस्तों। और हमारा ये 2500 वीडियो बन रहा है, 25 स्केच हो चुके हैं। और जैसे भरत जी जाते हैं खड़ाव लेके अयोध्या, तो उसके बाद वहाँ पे इतनी पब्लिक आने लगती है कि राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब ये जगह चेंज करना ही सही है। तो फिर ऊपर दंडक वन में निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सारे ऋषि मुनि से उनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है। और उसी क्रम में सबसे पहले मुलाकात होती है अत्रि ऋषि से, जो सती अनसुईया के पति हैं, और उनसे मुलाकात होती है। और आगे का जो भी मार्गदर्शन है तो अत्रि ऋषि से ही रहते हैं। और सीता जी अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया से आशीर्वाद लेती है और दिव्य वस्त्र देती है माता सती अनसुईया कि उनका ये कि अगर ये वस्त्र पहने तो कभी मेले नहीं होंगे और हमेशा मतलब उजले ही रहेंगे। तो इस तरह के वस्त्र सीता जी को देती है माता और कहती है कि आप सीता माँ एक आदर्श बनोगी, पूरे विश्व में सदियों सदियों तक आपको एक आदर्श के रूप में पहचाना जाएगा, ये आशीर्वाद माता जी को देती। तो वो वीडियो मैंने मैं बना रहा हूँ और वो स्केच किया मैंने, क्योंकि माता सीता को सती अनसुईया दिव्य वस्त्र प्रदान करते हुए और जो राम लक्ष्मण है उनको आगे का मार्गदर्शन और ज्ञान की चर्चा करते हुए अत्रि ऋषि आगाह करते हैं कि आप अगर जिस इस रास्ते से जाओगे ये सुगम रास्ता है, और अगर इधर दो रास्ते होते तो अगर दूसरे रास्ते की तरफ से जाओगे तो ये राक्षस वगैरह मिलेंगे और वो ऋषियों को खा जाते हैं मार के, तो आप देख लो कहाँ से जाना है। तो श्री राम समझ जाते हैं कि ऋषि का इशारा, और वो वही रास्ता चुनते हैं जो कि एक विराट नाम का राक्षस है उस रास्ते पे मिलता है और उसके आतंक को ख़त्म करने का इशारा दे रहे हैं, वो ऐसा समझ जाते हैं। तो उसी रास्ते की तरफ वो निकलते हैं। तो अब मैं वो स्केच बताता हूँ। सबसे पहले तो ये स्केच बना हुआ है, अत्रि ऋषि मार्गदर्शन कर रहे हैं ज्ञान के बारे में लक्ष्मण जी राम जी को, और माता अनसुईया दिव्य वस्त्र प्रदान कर रही है। ये 25वां स्केच का वीडियो है और काफी 24 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, और हमारे कलरिंग का काम भी मैंने चालू कर दिया है। और जैसे जैसे फाइनल होगी तो इसका वीडियो भी अपलोड करते जाऊंगा मैं। तो दोस्तों काफ़ी जो वन में निवास करते हैं, तो दंडक वन में जब निवास करते हैं तो काफ़ी ऋषि मुनि से मुलाकात होती है, और उसमें अत्रि ऋषि भी है, इसके बाद सर्वंग ऋषि है, विराट राक्षस को मारना है, कई राक्षसों का भी वध किया है राम जी ने लक्ष्मण जी ने, और उसके बाद वो पंचवटी में पहुंचते हैं। तो ये आगे प्रसंग आने वाले हैं और पूरी संपूर्ण रामायण के 108 पेंटिंग में सबको समेटना है। कोई सुझाव हो तो अपने आप सुझाव दे सकते हैं। और हौसला अफजाई के लिए राम का जय श्री राम लिख के आप मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें। और मेरे चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।